खबर फिरोजाबाद से। नगर पालिका कार्यालय गांधी पार्क में सभासदों का धरना दूसरे दिन जारी, जमकर नारेबाजी। नगर पालिका वार्ड गठन के दो माह नहीं हुए कि भ्रष्टाचार के आरोप, सरकार संज्ञान ले वार्ड मीटिंग प्रस्ताव की जानकारी नहीं दी जा रही सभासदों को। फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद नगर के पालिका कार्यालय गांधी पार्क में नगर के सभासदों द्वारा दूसरे दिन भी धरना दिया गया। 25 सूत्रीय मांगों को लेकर नगर पालिका सभासदों का धरना प्रदर्शन जारी है, जमकर नारेबाजी की। सभासद खुलेआम भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, नगर पालिका पर उत्पीड़न परेशान करने का आरोप लगा रहे हैं। कल से नगर की सड़कों पर प्रदर्शन की घोषणा की है। नगर में सफाई व्यवस्था ध्वस्त है, जल भराव की समस्या नगर पालिका को घाटे में बताया जा रहा है। बिना बोर्ड प्रस्ताव के सुभाष तिराहा पर पार्क बनाया जा रहा है, जिसमें खुला भ्रष्टाचार हो रहा है। नगर पालिका सभासद क्या करेंगे आगे? सर, प्रथम मैं पत्रकार बंधु को बहुत बहुत धन्यवाद मैं बताना चाहता हूँ। पिछले 24 घंटे से हम सभी सभासद धरना प्रदर्शन स्थल पर बैठे हुए हैं। जैसा कि आपको रमन जी भाई साहब ने बताया है कि कल से इतनी दुर्दशा कर दी गई, हमारे लोगों की लाइट काट दी जा रही, बारिश के मौसम में भी लाइट नहीं दी जा रही है। इसी के साथ साथ चलते मैं उत्तर प्रदेश सरकार व शासन प्रशासन को बताना चाहता हूँ, कल जो करने जा रहे हैं हम रोडों पर अपना प्रदर्शन, अगर ये प्रदर्शन में जो भी किसी की जान मान का अगर कोई खतरा होता है, उसके जिम्मेदार नगर पालिका परिषद के कर्मचारी व चेयरमैन और यू होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज धरना प्रदर्शन का दूसरा दिन है और अभी तक नगर पालिका परिषद के उच्च अधिकारी द्वारा किसी भी इस धरना प्रदर्शन में कोई भी नहीं आया है। यू साहब आते हैं, गोलमोल टालमटोल बातें करके चले जाते हैं, अभी तक कोई संतोषजनक जवाब मिला नहीं है। और कल से सभी लोग अपने अपने वार्ड की जनता के साथ नगर भ्रमण करेंगे और सड़क पर आंदोलन होगा। उस आंदोलन में चाहे इस सभासद एकता को जेल जाना पड़े, चाहे ऊंचे से ऊंचा कोई कदम उठाना पड़े, चाहे मरना पड़े, तो भी इस हक की लड़ाई, जनता शहर की जनता की हक की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। इसके लिए चाहे किसी भी हद तक जाना पड़े, नगर पालिका बंद करनी पड़े, नगर पालिका में ताले डालने पड़े, इसलिए हम लोग आज 5 बजे का समय इन लोगों के पास बैठ के सभी लोग आपस में बात लिखित में हमारी 25 शर्तों को माने। अगर नहीं मानते हैं तो जो भी कल प्रदर्शन सड़कों पर होगा, उसके जो प्रदर्शन होगा उसका परिणाम इस नगर पालिका कर्मचारियों द्वारा जो प्रताड़ना अवैध भाषा का प्रयोग किया गया उसके अनुरूप वो प्रदर्शन आपको सड़कों पर देखने को मिलेगा। क्या कोई सुनवाई हुई? क्या हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई साहब, ना हमारे पास कोई आया। यू साहब आते हैं और कोई संतोषजनक बात हमसे नहीं करना चाहते, वो आते हैं टाल के चले जाते हैं। और आज तो है सो है, कल हमारे साथ जनता भी हमारे साथ आ रही है और कल से हम उनको आज और वो दे रहे हैं और कल से साहब हम जनता के साथ। फिरोजाबाद से ब्रजेश राठौर की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज़।